दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आप दोस्तों ईबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो कितना आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक ना, और जनरल कैटेगरी से आपको कितना कम नंबर लाना होगा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइज। और ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं टेंथ के बाद, मतलब कि मैट्रिक के बाद, इंटर नहीं करते, तो वो पूछते हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना आरक्षण मिलता है हर कैटेगरी को। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ क्योंकि आप लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना, तो जो इंपॉर्टेंट है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये 2023 का नोटिफिकेशन है, ठीक ना, 2024 में हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वही, पिछले साल से वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। अब दोस्तों आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17 साल मिनिमम है, ठीक ना, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कितना आरक्षण मिलता है। तो देखो अगर यहाँ पर देखिए आपके दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए जो है ना आपका 50% होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ में, इसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50% नहीं है आपका, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो, कोई सा भी, ओबीसी ईबीसी का बना लो, ठीक ना, बीसी1 बीसी2 का बना लो कोई सा भी, या फिर आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हो एसएसटी, ये रिजर्व कैटेगरी का बनवा लो, बस उसका 45% भी है 12th क्लास में तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब दोस्तों हम देखते हैं एडमिशन किस आधार पर होता है, तो एडमिशन आपके क्लास 12th में नंबर के आधार पर एडमिशन नहीं, फॉर्म भर सकते हो। गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में जो एडमिशन है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर के आधार पर होगा, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जिन्होंने जो है आईटीआई किया है, शास्त्री किया है, 2 वर्षीय डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं भर सकते, ये 2023 का है। लेकिन दोस्तों हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो, क्या पता इनको भी मौका दे दिया जाए, तो ऐसे में 2024 का नोटिफिकेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आप लोग वेट कीजिए, ठीक ना, ये मतलब इसको 100% आप सच मत मान लीजिए, ये 2023 का है। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है यदि, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने, मतलब वही इंटर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, ठीक ना, उसके बाद आगे भी है जिन्होंने मध्यमा के बाद जो है अपना इंटर किया है, तो भी दोस्तों वो भी हासिल, मतलब वो कर सकते हैं, इनको मौका मिला है, ठीक ना। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया क्या है, तो जो आपका नंबर आएगा, ठीक ना, उसी के आधार पर जो आपका मेरिट बनेगा एंट्रेंस एग्जाम में, उसके आधार पर आपको मिलेगा। और देख कितना आरक्षण मिलता है, ये भी आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर आरक्षण कितना मिलता है, तो ये बेनिफिट है, तो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैं बताऊँगा कैसे बनता है, आप ये आप सर्च करेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पर। उसके बाद आगे देखते हैं आवेदन करने की तिथि, ये तो पिछले साल का है 2023 का, देखिए आप जनवरी में ही स्टार्ट हो गया था, आप लोग खुद देख सकते हैं, और एक बार डेट बढ़ा था, ठीक ना। अब देखिए कितना फीस लगेगा ये देख लीजिए, और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न ये सभी आपको पता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, और देखिए पिछले साल कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जैसे आवेदन पत्र में क्या क्या फ़ोटो ये सब चाहिए, ये तो आप लोग कर लेंगे उस टाइम पर अरेंज, अभी इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। और फॉर्म भरते हैं किस पे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए ये सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आवेदन पत्र, उसके बाद ये तो आपको पता चल ही गया, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लोग जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, चाहे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ओबीसी एनसीएल बना रहे हैं, ठीक ना, किसी भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपका रिन्यू होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो मतलब 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा भी होगा, तो इस बात को भी ध्यान रखें तभी आपको आरक्षण मिलेगा। बाकी कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग पूछ लीजिएगा, आपका काफ़ी डाउट जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं सब क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें चेंजेस हो सकता है 2024 में, ऐसे तो अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है पिछले साल से, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा।